सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6:19 AM अभी तो स्कूल में आया था, वही डेली रूटीन अपना, मॉर्निंग वॉक वगैरह, छोटे मोटे वर्क। तो फिलहाल डेली की तरह सुहावनी सुबह है, बारिश का ऐसा मौसम नहीं है, मतलब एक दो दिन से वेट कर रहे थे कि बारिश हो जाए, बट होप जल्दी हो जाए। और डेली की तरह मंदिर की भी वाइब्स आ रही हैं, मतलब क्योंकि सुबह सुबह ही भजन चालू हो जाते हैं हमारे यहाँ, 5 बजे पास में मंदिर है। तो लास्ट टाइम की जो बारिश थी उससे पौधों पर भी काफ़ी असर हुआ है। सभी घर निकलूँगा, दातुन भी ले लिए घर पापा के लिए। ये जो है लास्ट डे ऑफ चैलेंज है मेरा, सेवेंथ डे। तो इसके मतलब ये तो कल डाल दूंगा मैं व्लॉग, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा रेस्ट एक या दो दिन का बीच में बैक आएगा मतलब, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दूंगा मैं। तो अभी फ़िलहाल भाई मतलब हमारे आगे वाले खेत हैं, आगे मतलब घर से होंगे, घर पे भी एक खेत है और घर से लगभग 1.5 किलोमीटर मान लो, इतनी दूर खेत हैं, 2-3 खेत हैं। तो 2 तो पहले से बोए हुए थे, वो तो कोई और ही मतलब हैंडल करता उनको, और एक खेत था जो इस बारी हम खुद बो रहे हैं, उसमें अभी आए हुए हैं और ट्रैक्टर चल रहा है, काम कंटिन्यू है। जस्ट आए थे लगभग 7 बजे हुए हैं, तो लग ही जाएगा, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। एमरजेंसी मतलब यहाँ ये जो दिख रहा है आपको खाली, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके और जहाँ तक वो ट्रैक्टर दिख रहा है वहाँ तक है, और उधर भी वाइट वाइट वाले जो घर हैं उधर, और इधर ये जो कोना है, ऐसे मिला के 30 बीघा ज़मीन है, तो इसमें टाइम लग ही जाएगा। एक्चुअली आए तो हम कल भी थे यहाँ, बट ड्यू टू सम रीजन ट्रैक्टर नहीं आ पाया, उस चक्कर में थोड़ा काम रह गया था, इसलिए वापस से आज स्टार्ट करा है, तो आज इसको कंप्लीट करके जाएंगे। और वो उधर से ट्रैक्टर चालू हो गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जो पीछे पीछे मतलब इनके पक्षी दौड़ते हैं ना, उनका मजा ही अलग भाई देखने का, मतलब आगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे पीछे जो जो बाल लगती है उसके पीछे पीछे कीड़े मकोड़े चुगने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज़मीन से बाल लगती है ना तब नीचे से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए पक्षी पक्षी हो गए इकट्ठे इकट्ठे। उसको एक सीध देनी है लंबाई, क्योंकि ना जैसे छिड़क रहे हैं सीधा ही, पलटी से मतलब बो नहीं रहे उससे ट्रैक्टर से, वैसे बिकॉज इधर आना नहीं होता ना इतना, मतलब ऐसे बो दिया फिर लास्ट टाइम वो करवा देंगे उसको एडजस्ट जब लावणी आएगी उस टाइम, तो इसकी राख रुखाड़ नहीं हो पाती इतनी, तो उस चक्कर में मेरे को कर दिया यहाँ खड़ा। और वो उधर से आएगा ट्रैक्टर, एज यू कैन सी उधर से चल के मैंने पूरा कर रखा है, फिर मतलब काफ़ी लंबाई है, 500 मीटर तो होगा ये, 500 मीटर तो नहीं एक्चुअली, लेकिन 300 मीटर तो होना ही चाहिए। उधर चल पड़ा है वो मेरी सीध में आएगा। सुबह से ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये तो बो दिया मतलब 40% कंप्लीट हो गया, और इधर 60% जो है वो पेंडिंग में पड़ा है। Oh, 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 oh
वर्क हुआ कंप्लीट और अभी प्रस्थान, छाँव में बैठेंगे जाके। वैसे मज़ा आ जाता है, काफ़ी दिन से मतलब लगभग इस खेत में आया हूँ मैं, 3 से 4 साल बाद आया हूँ। हाँ 3 से 4 साल बाद ही। बढ़िया लग रहा है, धूप भी ऐसे मतलब ख़तरनाक वाली नहीं पड़ रही, ठीक ठाक पड़ रही। वो नीटू और मनोज भी आ गए एक्चुअली ब्रेकफास्ट लेके, छाछ वगैरह बढ़िया पी के एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। और ये अचार तैयार है, बेस्ट अचार है, फिलहाल आपको बेस्ट है बेस्ट रेस्टोरेंट में मिला भाई साहब। कोई सा कतिया रोटी, रोटी को ऊपर मिर्च और छाछ। मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू देने लगे हो ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। तो उधर पापा बीज को छिड़क रहे हैं मतलब खेत में, और उसके ऊपर ट्रैक्टर फिर वो खुदाई कर देता तो वो उसमें रड़म पड़म हो जाता है। उधर नीटू एक्चुअली बीज लेके जा रहे हैं। तो आगे भी एक से पार नहीं पड़ी, अब एक उधर चल रहा है एक उधर चल रहा है। बढ़िया, ये हमारी सरकारी स्कूल का ग्राउंड है। टिफिन कलेक्टर लो भी फाइनली घर आ गए, बस अभी जस्ट पहुँचे थे। अभी टाइम है 12:14, तो सुबह 7 बजे गए थे और लगभग 12 बजे तक, 6 घंटे लग गए खेत को भिजाने भिजाने में। तो अभी जस्ट बस अभी नहाएंगे और नहा के फिर सो जाएंगे। और ये नहा दोगे तैयार संस्कारी बोल, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद। तो शाम के फिलहाल हैं 7:40 और मैं नीटू लगे हुए हैं काम के, तो 90% ख़त्म आज हो जाएगा शाम को ख़त्म। मतलब फ़िलहाल भी कितने टाइम है, 7:41, 7:45 और 7:45 तक अभी तक तो छिपा ही नहीं है सूरज। मतलब 7:45 तक सूरज को छिपे हो हैं तक सोच लगे हुए, और अभी थोड़ा सा बचा है फिर निकल जाते हैं। कुछ अभी जस्ट नहा के आया था 9:15, 9:15 हो गए, 8 तो वहीं बचे थे, फिर 1-2 चारा वगैरह भी काटा आके फिर नहाया हूँ। तो अभी जस्ट अभी खाना खाऊंगा मैं, फिलहाल 9:44 PM हो चुके हैं। तो भी आज का लोग यहीं एंड करता हूँ, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। फुल डे आज उधर खेत में उधर ही निकल गए, कल से देखते हैं भी। और फाइनली जो 7 दिन का मैंने जो चैलेंज रखा था वो कंप्लीट हो गया आज, तो वो मेरे लिए एक मतलब माइलस्टोन ही था 7 डेज़ का कंटिन्यू। मतलब इजी भी नहीं है, थोड़ा कठिन था बट हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो 1 डे ब्रेक के बाद आएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं गुड लोगों में।